हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंबास ऑफिशियल 18। और इस वीडियो में बात करें केदारनाथ के अपडेट्स के बारे में। तो भाई जैसा कि आपको पता ही होगी, आज 29 तारीख, तो भाई आज की अपडेट ये है कि आज से 2 दिन के बाद पड़ेगी दिवाली। तो भाई उससे पहले जो है ना, पूरे केदारनाथ को जो है ना, पूरे केदारनाथ मंदिर को कुछ फूलों से सजाया जा रहा है। तो भाई ये देखो, वाइट फूलों से भोलेनाथ लिखा जा रहा है, तो कितना अमेजिंग लग रहा है देख के। और चारों तरफ फूल ही फूल है, पूरे जो मंदिर की जो दीवार है वो सिर्फ फूलों से सजाई जा रही है। ये देखो, ये गेंदे का फूल है और बहुत लोग यहाँ पे माला ही बना रहे हैं बाबा के लिए, बाबा को सजाने के लिए। तो पूरी दीवार बिल्कुल फूलों से सज चुकी है और कई 100 किलो जो है ना माला, जो फूल आए हैं बाबा केदारनाथ को सजाने के लिए। और जो यात्री हैं वो लगभग 15 से 20 हज़ार जो यात्री है वो आए हैं दर्शन करने के लिए। जैसे आपको पता ही होगा भाई, भैया दूज के दिन का पाठ हो जाएंगे बंद। और ये है मतलब इस साल का जो आप व्यू देख सकते हो। इसके बाद आपको फिर 6 महीने वेट करने पड़ेंगे, फिर 2025 में बाबा का पार्ट खोलेंगे। तो भाई कुछ इस तरीके का है ये देखो। और एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई इतनी ट्रेजेडी होने के बावजूद भी इस साल 15 से 20 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं बाबा केदार के। आप देख सकते हो भाई कितनी भीड़ है। और ये शाम का वक्त है, इसके अभी थोड़ी देर के बाद होगी आरती। तो भाई देखो कितना अमेजिंग लग रहा है, ये देख के अमेजिंग फीलिंग आ रही है। तो भाई आप भी दर्शन कर सकते हो, वर्चुअली आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, जय श्री केदार ज़रूर लिखिए। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कंपास ऑफिशियल 18। और कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूँगा। और मिलता हूँ एक अलग वीडियो के साथ, अलग लोकेशन के साथ। टिल देन, हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय भोलेनाथ।